हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में एक बहुत ही सुंदर कविता को पढ़ाऊंगी और साथ ही साथ इसका अर्थ को भी बताऊंगी। कविता का नाम है कलम आज उनकी जय बोल और इसका कवि है रामधारी सिंह दिनकर। प्रस्तुत कविता में रामधारी सिंह दिनकर जी ने भारत के वीर सपूतों क्रांतिकारियों का गुणगान किया है। उन्होंने कहा कि हे कलम, उनकी जय बोल जिन्होंने अपनी अस्थियों को जलाकर चिंगारी पैदा की और जलते जलते बुझ गए, अर्थात लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए, परंतु किसी के सामने प्रेम की या दया की भीख नहीं मांगी। तो चलिए बच्चों, इस कविता का पाठ करते हैं और साथ ही साथ आपको इसका अर्थ भी बताते हैं। कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, चटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल। कलम आज उनकी जय बोल। कवि कहते हैं कि कलम उन वीर शहीदों की जय जयकार कर प्रशंसा के गीत गा, जिन्होंने अपना सब कुछ बलिदान करके क्रांति की भावना जागृत की और नई चेतना फैलाई, तथा जिन्होंने बिना किसी मूल्य के कर्तव्य की पुण्य वेदी पर स्वयं को नौछावर कर दिया, यानी अपने मातृभूमि के लिए अपना जीवन का बलिदान कर दिए। उनके लिए कवि कहते हैं कि कलम उनकी जय जयकार कर। अब चलिए नेक्स्ट पंक्ति का भावार्थ को हम जान लेते हैं। पहले कविता को पाठ करेंगे, फिर इसका अर्थ को बताएंगे। जो अनगणित लघु दीप हमारे, तूफानों में एक किनारे, जल जला कर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं इसने मुँह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। कवि कहते हैं कि कलम आज उनका विजय गान कर, जय जयकार कर, जो असंख्य छोटे दीपक जलकर बिना तेल बुझ गए, उन अगणित वीरों का यश गान कर, जो देश की आन पर मर मिटे, परंतु उन्होंने किसी से स्नेह की भीख नहीं मांगी, दया की भीख नहीं मांगी। आप चलिए नेक्स्ट पैरा को पढ़ते हैं। पीकर जिनकी लाल सिखाएं, उगल रही सौ लपट दिशाएं, जिनके शिंगनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। उन वीर अमर शहीदों ने दीपक की तरह जलकर जो तेज अग्नि प्रज्वलित की, उनकी गर्म लपटे दिशाओं में उठ रही है, उन वीरों की सिंह गर्जना से पृथ्वी भयभीत होकर अब भी हिल रही है, कलम आज उनकी जय जयकार करो। अब चलिए लास्ट पंक्ति का कविता का पाठ करते हैं और साथ ही साथ इसका अर्थ को भी बताते हैं। अंधा चका चौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, साक्षी है उनकी महिमा की, सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल। कवि कहते हैं कि विलासिता में डूबे इन विदेशियों को हमारे इतिहास के बारे में कुछ पता नहीं है,
यानी विलासिता मतलब जो आराम का जिंदगी बिताता है, सारा सुख सुविधा को प्राप्त करता है। उन विदेशों को हमारे इतिहास के बारे में कुछ भी पता नहीं है। इन्हें क्या पता कि हमारे देश में कैसे कैसे वीर पैदा हुए हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर अपने देश के प्रति क्रांति की भावना फैलाई और नई चेतना जागृत की। और इसके गवाह हैं सूरज, चंद्रमा, खगोल और भूगोल। कलम, आज उनकी जय जयकार करो। रामधारी सिंह दिनकर। तो बच्चों, अगर आपको ये सुंदर सा कविता अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि मेरा पढ़ाई आप सभी बच्चों को कैसे लगता है। और बच्चों, अगर आपको इस कविता का लिखित रूप चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो, मैं आपका डिमांड को पूरा करने का ज़रूर से ज़रूर कोशिश करूँगी। तो बच्चों, अगर आपने पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर पढ़ाई का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।